बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार न केवल भ्रष्टाचार में सर से लेके पांव तक डूबी हुई है, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार केवल प्रचार और प्रसार में भी इन्वॉल्व्ड है। इनका विकास के कार्यों में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं है और खास करके दिल्ली के प्रदूषण को लेके किसी भी प्रकार की संजीदगी नहीं है। और ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट को लताड़ना पड़ा, फटकारना पड़ा दिल्ली की केजरीवाल सरकार को, उससे एकदम जाहिर होता है। 24 तारीख यानी 24 जुलाई 2023 का ये ऑर्डर है मेरे पास। इसका सिर्फ एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप सब जानते हैं कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली में दो कारणों से। एक, क्योंकि ये दिल्ली से ट्रैफिक कम करेगा, और दूसरा, ये दिल्ली में प्रदूषण कम करेगा। ये दिल्ली को मेरठ, दिल्ली को पानीपत और दिल्ली को अलवर से जोड़ेगा। अब ये देखिए, 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है, वी वर कंस्ट्रेंड टू पास द लास्ट ऑर्डर ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली हैविंग थ्रोन अप इट्स हैंड्स टू कंट्रीब्यूट द रिक्वायर्ड अमाउंट to the projects in question which have been monitored by this court, we put to the learned senior counsel that if 1100 crores can be spent as a budget on the last three financial years, certainly contributions can be made to the infrastructural projects. 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है और ये कहता है कि आपने तो भाई अपने हवा में अपने हाथ फेंक दिए, आप तो कह रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, अपने हिस्से के पैसे नहीं देंगे। अगर आप 1100 करोड़ रुपया प्रचार प्रसार में, एडवर्टाइजमेंट में लगा सकते हैं, तो देश की प्रगति में, दिल्ली की सहूलियत के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी तो अपना योगदान कर सकते हैं। उस दिन केजरीवाल सरकार के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि आप हमें समय दीजिए, हम बिल्कुल इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। और आज क्या हुआ, आज भी वो चुप्पी साधे हुए थे, कोर्ट के समक्ष वो एक रुपया नहीं कह पाए कि हाँ हम अपनी तरफ से ये जो हमारी हिस्सेदारी बनती है इस प्रोजेक्ट में हम देंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उनको फटकारना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पिछले 3 वर्षों में आपने 1100 करोड़ रुपया केवल एडवर्टाइजमेंट में यानी विज्ञापनों के लिए रखा है, इस वर्ष आपने कहा कि 550 करोड़ रुपया आपने बजट करके रखा है केवल विज्ञापनों के लिए, चलिए वो जो आपका रुपया आपने प्रचार प्रसार के लिए रखा है उसको लगाइए इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और फिर केजरीवाल सरकार ने मांगी मोहलत एक हफ्ते की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पैसा आप जो आपकी हिस्सेदारी आपकी भागीदारी बनती है इस प्रोजेक्ट के लिए वो दीजिए, नहीं तो आपका सारा का सारा पैसा जो आपने विज्ञापनों के लिए रखा है उसको हम जब्त करके इसमें लगवाएंगे। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट को यह फटकारना पड़ता है एक चुनी हुई केजरीवाल सरकार को। दिल्ली के लोगों के लिए कितने दुख की बात है। भाजपा ये मांग करती है कि केजरीवाल जी, ये जो आपकी आदत है कि काम में तो कुछ नहीं लगाते और सब कुछ प्रचार और प्रसार में लगा देते हैं, 68 लाख रुपीज का आप एक बायो डीकम्पोजर लाते हैं, कहते हैं कि इससे पराली डीकम्पोज हो जाएगी, पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बजट कितना रखते हैं, 23 करोड़ रुपया, यानी 68 लाख रुपीज का प्रोडक्ट 23 करोड़ रुपया का आप केवल उसका एडवर्टाइजमेंट बजट रखते हैं। ये आदतें छोड़िए, भाजपा ये मांग करती है कि आप प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार से उठकर दिल्ली की जनता की सुध लीजिए और कृपया दिल्ली के लिए कुछ करिए। और इस प्रोजेक्ट में जो नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना कल्याणकारी प्रोजेक्ट लगाया है, इसमें कृपया दिल्ली सरकार अपनी भागीदारी दीजिए और कृपया सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर की अवहेलना करनी बंद करिए।
केजरीवाल सरकार की कोई संजीदगी नहीं है प्रदूषण से डील करने के लिए। आप ये देखेंगे सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रही थी जहां पे दिखाया जा रहा था कि पंजाब प्रशासन का एक अफसर जाता है और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है कि लोग गांव के लोग एकत्रित होकर उसी अफसर से पराली जलवाते हैं। नासा की फोटोज आपने सबने देखी हैं 5 नवंबर में कि कितनी ज्यादा पराली जलने की वारदात वहां पर हुई है पंजाब में। आप देख रहे थे नासा की वो फोटो दिखाएगी कि पूरी की पूरी पंजाब लाल हो चुकी है, दिल्ली केजरीवाल जी के राज में घुट रही है। आज पंजाब में भी केजरीवाल जी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल जी ने तो गारंटी ली थी नवंबर 2022 में कि वो प्रदूषण के लिए कुछ करेंगे, लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। प्रदूषण पर भी एक्शन तब लिया जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा और फटकारा। तो ये एक निकम्मी सरकार है, आम आदमी पार्टी की एक निकम्मी सरकार है, एक झगड़ालू सरकार है, एक बहानेबाज सरकार है जो केवल, मैंने कहा ना, प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और काम ना करने के बहाने ढूंढती है जब तक कि कोर्ट इंटरवीन करके इनको लताड़ता नहीं और आदेश नहीं करता काम करने के लिए। देखिए न्यायिक हिरासत जो उनकी बढ़ाई गई है इस पे तो मैं कहूंगी कि ये स्वाभाविक सी बात है, ये एक प्रोसीजरल चीज है, ये होनी ही थी। लेकिन आप देख लीजिए कि मनीष सिसोदिया जी की बेल आज तक 6 बार रिजेक्ट हो चुकी है, 3 बार सीबीआई केसेस में और 3 बार ईडी के केसेस में, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इस देश की 3 न्यायपालिका यानी 3 कोर्ट्स ने ये देख लिया है कि प्राइमा फेसी एविडेंस बनती है जहां पर शराब घोटाले में जांच भी होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया जी को इसीलिए हिरासत में रखा गया है। लेकिन हाँ, केजरीवाल जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इनके नेता तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन आज के दिन प्राइमा फेसी एविडेंस सभी कोर्ट्स को दिख रही है, एक जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो चुका है और इसीलिए वो हिरासत में हैं और उनको बेल नहीं मिल रही है। आप सभी को मालूम है 24 जुलाई 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को उसमें जो अपना योगदान देना था दिल्ली सरकार नहीं दे रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार अपने हिस्से की धनराशि इस परियोजना के लिए उपलब्ध कराए, दिल्ली सरकार को इस तरह का आदेश दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वह पैसा नहीं दिया। इसके ऊपर कुल धनराशि 30,234 करोड़ रुपया खर्च हो रही है। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और केवल 3% दिल्ली सरकार को कंट्रीब्यूट करना है, लगभग 565 करोड़ रुपया। अरविंद केजरीवाल 3 वर्षों में विज्ञापन के ऊपर 1100 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। इस साल के लिए उन्होंने 550 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च करने के लिए बजट में प्रोविजन किया उन्होंने। इससे पहले भी जब दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाई गई, 3700 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। अरविंद केजरीवाल ने वो पैसा भी NHAI को उपलब्ध नहीं कराया। उस समय भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने हिस्से का पैसा दे या ना दे, लेकिन प्रोजेक्ट को नहीं रोकना है। और वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ। दिल्ली में जो 60,000 ट्रक्स रोज आते थे, वो दिल्ली को पॉल्यूटेड करते थे, ट्रक्स की एंट्री बैन हुई। दूसरी जो परियोजना थी, प्रगति मैदान के साथ जो टनल बनाई गई लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी,
जिसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ। 20% अरविंद केजरीवाल की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था, एक पैसा नहीं दिया। आप टनल बनाने के लिए अपने हिस्से का पैसा नहीं देंगे, पेरिफेरल रोड बनाई जाएगी तो आपके हिस्से का लगभग 3750 करोड़ रुपया आप नहीं देंगे, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के लिए धन राशि उपलब्ध नहीं कराएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को भी भंग कर रहे हैं। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आप सभी को जानकारी देना चाहते हैं कि ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। दिल्ली में आपको मालूम है, दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है उसके बारे में क्या कुछ लिखा जा रहा है आप सभी को मालूम है। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल बन गई है, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो दिल्ली मेरठ तक रैपिड रेल परियोजना हो, चाहे दिल्ली अलवर तक या दिल्ली पानीपत तक, पूरे NCR के लिए जो उन्होंने एक शानदार परियोजना बनाई है और उसमें सहयोग नहीं करना, मैं इसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार की, अरविंद केजरीवाल की निंदा करना चाहता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि इस परियोजना से आखिर फ़ायदा क्या होगा। दिल्ली में जो इतनी सारी अलग राज्यों की बसें आती हैं उनकी एंट्री बंद हो जाएगी, लोग अपने निजी वाहन से दिल्ली में आते हैं वो बंद हो जाएंगे, भीड़ भाड़ दिल्ली में ख़त्म हो जाएगी, और दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 9-9.5 साल में, क्योंकि मैं लीडर पोजिशन हूँ, मैं आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आकर या दिल्ली के लोगों के सामने आकर एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते जो उन्होंने शुरू किया हो या वो पूरा हो गया हो। आप देख लीजिए, बारापुला का जो फ्लाईओवर है जिसको इस दिल्ली के साथ कनेक्ट करना था, आप 2014 से लेकर आज 2023 आ गए, उसको आप पूरा नहीं कर पाए। तो इनका विकास के कार्यों में इनकी रुचि नहीं है, केवल विज्ञापन के ऊपर पैसा खर्च करना और झूठा प्रचार कर अपनी राजनीति चमकाना, केवल यही इनका काम रह गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और अरविंद केजरीवाल को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि उनको दिल्ली के प्रति गंभीर होना चाहिए, और दिल्ली में जो अनेक विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, निर्माण के जो कार्य चल रहे हैं, उनके प्रति उनको गंभीर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।